Just check, just check. बस इतने सारे बच्चे जो आज ओरिएंटेशन में आए हैं, फेस टू फेस क्लास में भी आना है। यस, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? पहले तो ये बताइए, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, ऑसम। तो सीएस एग्जीक्यूटिव में हम लोग जो नए बैच के वो लॉन्च कर रहे हैं, कल से ही हमारा जो नया बैच लॉन्च हो रहा है उसके बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। कैसे आप लोग को कितना ट्यूशन, कितना क्लासेस करना रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट के क्लासेस करने रहेंगे, ठीक है, कैसे अपना पढ़ाई को मैनेज करना है, ये सब इस सेशन में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो कल से हमारा मॉड्यूल टू का बैच चालू हो रहा है। मॉड्यूल टू का बैच हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। सर, मॉड्यूल वन का ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है, लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट अभी मॉड्यूल वन का स्टार्ट हुआ है, JIGL, जिसके कुछ क्लासेस हुए। तो एक तरीके से देखा जाए तो मॉड्यूल टू तो पूरा ही कंप्लीटली कल से स्टार्ट हो रहा है, और मॉड्यूल वन भी तुम बोल सकते हो, मॉड्यूल वन भी तो तुम बोल सकते हो कि नया ही बैच है और कल से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि JIGL में कुछ ही क्लासेस हुए, बाद बाकी सारे सब्जेक्ट अभी भी मॉड्यूल वन के बाकी हैं। चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो SBC हो, ये सब स्टार्ट होना बाकी है, बहुत जल्द स्टार्ट होगा। उसी का रूटीन हम लोग आज चर्चा करेंगे, और मॉड्यूल टू तो कल से स्टार्ट हो ही रहा है। तो डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ CACS दिव्या अग्रवाल मैम है, CS मोहित शाह सर, CS डॉक्टर मोहित शाह सर है। पहले डॉक्टर लगाए कि CS, क्या लगाना पड़ता है? पहले CS लगाएंगे फिर डॉक्टर मोहित शाह सर, मेडिकल के नहीं है, PhD कर रखे हैं। तो PhD करने के बाद क्या होता है ना, वो डॉक्टर का डिग्री मिल जाता है। तुम लोग छोड़ो तो हम भी कर ले। एंड हमारे पास CA अविनाश सर है, ठीक है। तो आपको सब कुछ जो है, सारे बैचेस के बारे में सब डिटेल्स वगैरह सब बताया जाएगा, बट पहले हम देख लें भाई फेस टू फेस वाले बच्चों को। CS वाले बच्चे, इतने सारे बच्चे फेस टू फेस आ जाए हैं, ये मतलब कोरोना के बाद एक चमत्कार ही है। फाइनली पीपल आर रिटर्निंग बैक टू द क्लासेस, और वैसे ही हमारे ऑल ओवर इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया में वी आर वेरी मतलब हम्बल्ड एंड वी आर वेरी यू नो लक्की कि CS के मैक्सिमम स्टूडेंट जो है लाइव एट होम वो MEPL में क्लासेस लेते हैं। जहां पर भी जाओ तुम, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान बोल लो, बिहार बोल लो, यूपी बोल लो, मतलब बच्चे जो है वो हम लोग को इतना प्यार देते हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वी रेसिप्रोकेट इन द सेम मैनर, ठीक है। हम लोग खाली बैच बेच करके नहीं जाते हैं, हम लोग क्या क्या फैसिलिटी देते हैं पहले आप ये चीज को समझो। हम लोग ऐसे नहीं कि आपको बैच बेच करके चले गए, बस GDPD बेच दिए और काम खत्म, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग आपको इम्पावर करते हैं, इम्पावर पावरफुल बनाते हैं, आपको सारे हथियार देते हैं जिससे आप एग्जाम्स को क्लियर कर सके। बेचते नहीं है, इम्पावर करते हैं। नाउ व्हेन आई से व्हाट व्हाट इन व्हाट टर्म्स डू वी एम्पावर यू, जो हमारा लेटेस्ट बैच का रिकॉर्डिंग है वो तो कंप्लीट है, वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, वो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, पूरा वो फुल्ली अमेंडेड है। अच्छा, गांव वही बेचता है जो आपने बैच रिकॉर्ड किए, वो हम लोग आपको दे रहे हैं, वो फुल्ली अमेंडेड है। उसको बोलते हैं गूगल ड्राइव क्लासेस, और अगर पेन ड्राइव में लोड करके देंगे तो पेन ड्राइव क्लासेस वो तो देते ही हम लोग। उसके साथ जो ऑनगोइंग बैच है, जो आप लोग पढ़ेंगे, लाइव बैच का एक्सेस देते हैं। लाइव बैच का एक्सेस, अगर आपका लाइव छूट गया, सेम डे आपको उसका भी रिकॉर्डिंग मिलता है। इसका मतलब आपको दो सेट ऑफ रिकॉर्डिंग मिलते हैं, एक जो हमारा बैच कंप्लीट हो रखा है गूगल ड्राइव पेन ड्राइव में, और दूसरा लाइव एट होम बैच, फेस टू फेस वाले बच्चों को फेस टू फेस, लाइव एट होम वालों को लाइव एट होम। अब हम लोग डिमार्केशन कर देंगे, जो बच्चा फेस टू फेस में एडमिशन लेगा उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे कि वो फेस टू फेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीरियसनेस जो है ना वो होना जरूरी है पढ़ाई में, इट्स नॉट अ क्लब। पढ़ाई में मस्ती करो वो चलेगा, पढ़ाई में मस्ती करो वो चलेगा,
लेकिन पढ़ाई पढ़ाई में मस्ती, पढ़ाई में, पढ़ाई 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 में मस्ती, तब जाकर के जो है ना तुम्हारा बढ़िया नंबर आएगा, रैंक आएगा। ऐसे नहीं एमबीबीएल से लास्ट 3 टर्म से ऑल इंडिया रैंक 1 का हैट्रिक कर रहा, अभी भी आएगा, लिख करके दे देते हैं, बहुत मेहनत की है। ये जो दिसंबर का एग्जाम्स किया ना हीरा मोती लोग हमारे स्टूडेंट्स से, उनका रैंक 1 आएगा, बस भगवान से यही प्रार्थना है। एंड मोर देन रैंक, खाली रैंक 1 जो है वो तो चलो ठीक है, बच्चा सितारा है तो रैंक 1 लाए गई, मोर देन रैंक व्हाट मोटिवेट्स मी यू नो, मार्क्स का पास परसेंटेज, कि मेरे जो बच्चे हैं कितने परसेंट बच्चे पास हो रहे हैं। लास्ट तक जो हमारे यहाँ पर टिक जाते हैं, क्लासेस कर लेते हैं, हम देखते हैं 75% बच्चे पास हो जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट जो है 3% 4% होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर लास्ट तक जो ट्यूशन कर लेते हैं 70-75% बच्चे पास हो जाएंगे, अगर लास्ट तक टिके तो। बीच रास्ते में अगर तुम छोड़ करके भाग गए तब दिक्कत है। तुम लोग का विद्यार्थी जीवन है कि गृहस्थ जीवन है? तो विद्यार्थी जीवन है, वो बीच बीच में हम याद दिलाते रहेंगे, तुम लोग का विद्यार्थी जीवन है, मोह माया से दूर रखना है तुमको, वो सब चीज के लिए बहुत समय मिलेगा, पूरा जीवन पड़ा है। लेकिन अभी पढ़ाई का कितना जीवन पड़ा है, और कितना पढ़ाई जीवन पड़ा बताओ फटाफट, घंटा 2 साल, कहां 2 साल भाई, 1.5 साल, 1.5 ईयर। हाँ, जिन लोग का दिसंबर में एग्जाम है 2 साल, जिन लोग का ये जून में एग्जाम है, ये जून में एग्जीक्यूटिव दिया, नेक्स्ट जून में प्रोफेशनल, जिन लोग का दिसंबर 23 में एग्जाम है, ये दिसंबर 23 में एग्जीक्यूटिव, दिसंबर 23 में 24 में प्रोफेशनल, 1.5 से 2 साल मैक्सिमम पढ़ाई का। तो बहुत जी जान लगा करके पढ़ाई करना है, बिकॉज रिमेनिंग 50 साल क्या करने वाले हो वो ये 2 साल के ऊपर निर्भर करता है। तुम अगर अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हो, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकता, बट यार ये 2 साल जो है ना तुमको तपस्या करना पड़ेगा, फिर रिमेनिंग 50 साल तुम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जीवन जी सकोगे। लेकिन अगर ये 2 साल तुम अपना मनमानी कर लिया तो नेक्स्ट 50 साल दूसरों का मनमानी सहना पड़ेगा, ये फैक्ट है। आज हम लोग को देख लो, हम लोग इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है, हम लोग को अच्छा लगता है इसलिए पढ़ाते हैं, मोटिवेशन मिलता है इसलिए पढ़ाते हैं, वी आर एंटरप्रेन्योर्स बाय चॉइस नॉट बाय कंपल्शन, समझ आ रहा है? आज हमको अच्छा लगता है इसलिए हम 4 बैच लेते हैं, जिस दिन नहीं अच्छा लगेगा नहीं लेंगे। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? क्या तुमको लगता है हम अपना जीवन अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जीते हैं? अरे जोर से बोलो। तो वही हम तुम लोग के लिए भी चाहते हैं, बट ये 2 साल, अच्छा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब क्या हम अपना जीवन अपने टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिलेबस देख करके जिए, रैंक लाने के लिए जिए, मेहनत करने के लिए चाहिए, यू अंडरस्टैंड? तो यार कुछ भी नहीं है, 2 साल तुम इतना एफर्ट दे दो, जितना एफर्ट दोगे कम है, जितना भी एफर्ट दे दो 2 साल कम है, क्योंकि रिमेनिंग जो 50 साल है ना तुमको मतलब खाली बैठ करके फल खाना है। तो 2 साल तुम जितना मेहनत करोगे ना रिमेनिंग 50 साल में, उतना तुमको मीठा मीठा फल मिलेगा। अब कुछ बच्चे जो है ऑलरेडी, बिल्कुल ये जो हम लोग बैच लॉन्च कर रहे हैं इसके बारे में सब कुछ बताएंगे, बट एक बार लाइव एट होम वाले बच्चों को भी देख लेते हैं यार, 100 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, 100 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं भाई, एक बार उन लोग से भी बातचीत कर लेते हैं, नहीं तो पूरा मान जाएंगे। ये रहे सर, कल से ग्रुप 1 चालू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ग्रुप 2 चालू हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, दोनों मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों चालू हो रहा है। सर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा क्या? ये प्रोफेशनल बैचेस है बेटा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम लोग बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं, और शायद एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल लेवल पर जितना हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं वो उतना और कोई नहीं कर सकेगा। आप देखो जाकर के मैराथन देखो, रिवीजन देखो, बूस्टर देखो, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, बट क्या है ना, वी आर प्रोफेशनल पीपल। आप समझो ना, आप सीएस बन जाओगे, आप 2 साल में सीएस बन जाओगे, भगवान करे 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम आप सीएस बन जाओगे। आप कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद फ्री में काम करोगे क्या? बोलिए ना, 1 रुपया मतलब हम तो बोलेंगे। सीएस बनने के बाद फ्री में काम करोगे क्या? क्यों? Because you are a thorough professional. तुम 2 साल मेहनत ही करो 50 साल फल खाने के लिए, और जब फल खाने का बाद आया बोलो नहीं मत खाओ, उपवास कर लो, ऐसे कैसे होगा? तो वही भाई प्रोफेशनल जो है, प्रोफेशनल लाइफ में अभी हम लोग सन्यासी नहीं है। लव यू मोहित सर, बट आई एम अ मैरिड मैन,
सर व्हाट अबाउट सीएस प्रोफेशन? सीएस प्रोफेशन के हम लोग 10 तारीख से बैच चालू हो रहा है, 10th ऑफ जनवरी। सीएस प्रोफेशन का 10th ऑफ जनवरी से बैच चालू हो रहा है बेटा, लाइव एट होम रहेगा। चलो अब हम लोग जो है बैच का ऐलान कर रहे हैं, दिल थाम करके बैठिए। बट उसके पहले हम एक बार देखना चाहेंगे, बहुत सारे बच्चे मॉड्यूल वन भी देख करके आए होंगे, हाथ उठाओ जिन्होंने मॉड्यूल वन दिया है। अरे ऐसा कोई है हमारे यहाँ पर जो मॉड्यूल वन दे चुका है? फुल है, फुल है, इसमें डरने का शर्माने का कोई बात नहीं है, फुल हैंड खड़े हो जाइए और चैट बॉक्स में भी लिख करके बताइए जिन लोग मॉड्यूल वन दे चुका, चैट बॉक्स में भी लिख करके बताइए जिन लोग मॉड्यूल वन दे चुका। अच्छा एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया है अभिषेक सिंह का कि सर रिकॉर्डेड क्लासेस देखें तो कोई इशू है क्या? सर रिकॉर्डेड क्लासेस देख ले तो कोई इशू है क्या? जीरो इशू है, फुल्ली अमेंडेड है, आप वही देख लीजिए हो जाएगा आपका बड़ा पार। लेकिन क्या है कुछ बच्चों में ना डिसिप्लिन का कमी रहता है। रिकॉर्डेड तो हम आपको दे ही रहे हैं लेकिन कुछ बच्चों में डिसिप्लिन का कमी रहता है, डिसिप्लिन का कमी है। अब मॉड्यूल टू में अगर हम मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू का अगर हम आपको नंबर ऑफ क्लासेस बताएं, मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मिला करके, मॉड्यूल वन एंड मॉड्यूल टू मिला करके 600 क्लासेस के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली 600 क्लासेस मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू मिला करके। अब अगर तुमको खाली गूगल ड्राइव दे दे या पेन ड्राइव दे दे तो तुम्हारे अंदर जो है ना वैसा जज्बा नहीं आता कि चलो यार देखते हैं, तुम अपने आप को वो स्टडी टेबल पे ला करके बैठाना एक चैलेंज है। अगर तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से देखो। और इसके साथ तुमको हम और एक फैसिलिटी दे रहे हैं, उसका अलग से पैसा नहीं ले रहे हैं। अरे बाबा जिनको रिकॉर्डेड मिलेगा उनको लाइव एट होम मिलेगा, जिनको लाइव एट होम लेना है उनको रिकॉर्डेड भी देंगे। तुम रिकॉर्डेड बुक करो तुमको रिकॉर्डेड बैच और लाइव एट होम बैच दोनों देंगे, तुम लाइव एट होम बुक करो तुमको लाइव एट होम और रिकॉर्डेड बैच दोनों देंगे। ये फैसिलिटी ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं है, लोग रिकॉर्डेड बेच करके चले जाते हैं, टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले बार फिर से रिकॉर्डेड बेचने के लिए। हमारे यहां वैसा नहीं है, बोले ना तुमको इंपावर कर रहे हैं, तो तुम रिकॉर्डेड देखना चाहो वो तुम्हारा मन बिल्कुल देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुमको दोनों फैसिलिटी मिलेगी। एम्पावरिंग द स्टूडेंट्स, लेट स्टूडेंट्स चूज व्हाट दे वांट टू सी, राइट। और कलकत्ता एंड आसपास वाले बच्चे तुम लोग तो मैंडेटरी है, तुम लोग तो फेस टू फेस ही करना है। हर्ष बोल रहे सर आपको लाइव सुनने का मजा ही अलग है सर। सर स्टूडेंट्स, मंजीत बोल रहे सर स्टूडेंट ऑफ सी एस ईटी ईगली वेटिंग टू स्टडी अंडर योर गाइडेंस। ईटी का एग्जाम कल है ना, 7th, कल क्या है 5, भाई फटाफट दे करके सल्टो समय थोड़ा पास लाइए और पास सर, ओके बहुत बढ़िया। हाँ भाई मॉड्यूल वन जेआईजीएल का बात मत करो, जेआईजीएल का टफेस्ट पेपर था पूरे इतिहास में, लेकिन हम जब डिस्कस करेंगे वो भी इजी लगेगा, समझ रहे ना? सारे के सारे पेपर हम लोग सारे के सारे पेपर जब हो जाते हैं ना तो उसका पेपर डिस्कशन सेरेमनी रखते हैं ताकि बच्चों को पता लग जाए कि नया मॉड्यूल पढ़ना है कि फिर से वही वाला मॉड्यूल पढ़ लेना है, तो वो भी बहुत जल्द होने वाला है। ओवरऑल कैसा गया सर? तभी तो मॉड्यूल टू के बैच में अभी बैठे हैं, ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए हो ना? जेईई टफ क्यों लगा? पूरा 100 नंबर अटेम्प्ट कर लिया, पास है बेटा, तो बाद अगले ऊपर टफ क्यों लगे सर? एक तो क्वेश्चन इनडायरेक्ट लगे, तो प्रोफेशनल लाइफ का एग्जाम में अगर एक दो क्वेश्चन इनडायरेक्ट नहीं आएंगे तो वो प्रोफेशनल एग्जाम कहलाएगा क्या? एक्चुअल में लोगों को आदत हो गया था जेजेएल हमेशा से इंपॉर्टेंट जो वेटेज वाला चैप्टर रहता ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, IOS, ठीक है ना, सिविल प्रोसीज्योर, क्रिमिनल प्रोसीज्योर, वो ज्यादा बल्कि बल्कि चैप्टर्स है। और अब आ गया बेटा तुम्हारा क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, आईपीसी से, इंडियन पिनल कोड से ज्यादा नंबर का गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, वो तो बच्चे पढ़ करके नहीं जाना चाहते। तो भाई मेरे क्लास में तुम कभी नहीं सुने होगे कि हम बोलेंगे ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, नेवर एवर, एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। चलो खैर कोई बात नहीं, जेजेएल पूरा कंट्री के लिए टफ था, टफ और इजी शब्द कुछ नहीं होता, व्हेन वी कंपेयर टू समथिंग इट इज टफ,
कंपैरिजन में हम बिल्कुल मानते हैं पिछले 10 साल 10 टर्म के कंपैरिजन में ये टर्म सबसे जेएनएल के लिए टफेस्ट था, बट मेरे को तो वो भी इजी लगा। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो हम बोल सकते हैं हाँ कंपेयर टू द प्रीवियस टर्म इट वाज टफ। चलो कोई बात नहीं, आज सर को भी ठंड लग रही है, एक बच्चा बोल रहा है। इसमें ये दिक्कत है, एक्चुअल मेरे को ठंड नहीं लग रहा है, इट जस्ट लुकिंग नाइस ऑन मी दैट इज आई हैव ऑन इट। अच्छा सारे टीचर से बिल्कुल मिलाएंगे, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं हम लोग जो कल से बैच स्टार्ट करने वाले हैं ये मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 दोनों के लिए है फॉर जून 23 एंड दिसंबर 23 एग्जाम। तो जिनका भी एग्जाम जून 23 में है या जिनका भी एग्जाम दिसंबर 23 में है यही उनको बैच करना है, फेस टू फेस है, लाइव एट होम है, सब कुछ है। एक दिन में आपका 4 क्लास चला करेगा, वो एक दिन में 4 क्लास जो चला करेगा हम आपको बता दे रहे हैं, वो एक दिन में 4 क्लास जो है वो कुछ इस प्रकार चला करेगा, हम लिख करके बता देंगे। पहले बात बाकी फैकल्टीज जो है उन लोग अपना अपना सब्जेक्ट के बारे में बता देते हैं, ठीक है। सारे के सारे लॉ पेपर जो है वो हमारे एक जबरदस्त फैकल्टी है, सारे लॉ के पेपर जो है वो एक एमईपीएल में एक फैकल्टी है हमारे, एकदम नई फैकल्टी है, लेटेस्ट ज्वाइनिंग है उनका। लेटेस्ट मतलब 10 साल पहले 11 साल पहले ज्वाइन किए थे एमईपीएल, उसके पहले वो खुद का पढ़ाते थे। 4 साल पहले उन्होंने 4 साल पहले उसने खुद से पढ़ाया, उसके बाद फिर अब वो एमईपीएल में 11 साल से पढ़ा रहा है, तो टोटल 15 साल से पढ़ा रहा है। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, कंपनी सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आया हुआ है सीएस में, एंड तो वो फैकल्टी जो है वो आप लोग को सारे लॉ के पेपर्स पढ़ाएंगे, सरप्राइज है, जब पढ़ाने आएगा तभी दिखेगा। और वो फैकल्टी है बहुत गर्मी लग रहा है भाई और अच्छा नहीं दिखना है, वो फैकल्टी है सीएसीएस मोहित अग्रवाल, वही नाचीज जो है वो आपको लॉ का पेपर्स पढ़ाएगा, पूरा का पूरा आईसी से मैट कवर करेंगे हम लोग क्लास में, पूरा का पूरा आईसी से मैट कवर करेंगे, और आपको जो है पूरा नोट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं पढ़ना रहेगा, बट उतना पढ़ना रहेगा और बीच में साथ नहीं छोड़ना है। तुम लोग भूल जाते हो कि तुम लोग पढ़ने के लिए आए हो, बीच रास्ते में जाकर के बोलते हो इतना पढ़ना पड़ेगा, तो इसके अलावा और तुम्हारा क्या काम है, यही तो काम है, समझ में आया ना, तो वो मत भूलना। सारे लॉ के पेपर्स मेरा जिम्मेदारी है मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 का, एंड कॉर्पोरेट अकाउंट जो है अविनाश सर पढ़ाएंगे, एफएमएसएम जो है वो मोहित शाह सर पढ़ाएंगे, एसएम जो है वो दिव्या मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। और टैक्स जो है एक ही सब्जेक्ट बचा, टैक्स के हमारे यहाँ पर 2 फैकल्टीज है, दोनों के आपको क्लासेस मिलेंगे, मतलब बोले ना एमईपीएल इज हेयर टू एम्पावर यू, एमईपीएल आपको एम्पावर करता है, तो पीयूषा मैम भी है, निकुंज सर भी है, आपको सब सारे फैसिलिटी मिलेंगे, तो आपको एम्पावर। अच्छा कॉर्पोरेट अकाउंट्स में भी अविनाश सर का भी क्लास है और मेरा रिकॉर्डेड बैच है कॉर्पोरेट अकाउंट्स का। अब दिक्कत क्या होता है, बच्चे मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि सर आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स भी लाइव पढ़ा दो, फेस टू फेस पढ़ा दो, लाइव पढ़ा दो, अब इंसान तो एक ही बंदा है भाई, यू अंडरस्टैंड, तो वो संभव नहीं रहता। तो मेरा जो बैच रिकॉर्डेड है उसका भी आपको एक्सेस मिलेगा अविनाश, हालांकि वो देखने का दरकार नहीं है, अब अविनाश सर का ही देखेगा फेस टू फेस लाइव एट होम, दी बेस्ट है। लास्ट टर्म के भी जो बच्चे पढ़े हैं आप उनसे फीडबैक लीजिएगा, बहुत उनको मजा आया पढ़ करके, पूरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, ठीक है। और एफएम में हमारे साथ सीएस मोहित शाह सर हैं ही 10 साल से, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 10 साल से हैं ही दिव्या मैम, ठीक है। तो आपको सारा लॉ पेपर मेरा जिम्मेदारी, टैक्स के लिए आपको मैंने बता दिया है 2 फैकल्टीज हैं, कॉर्पोरेट अकाउंट्स की भी 2 फैकल्टीज आपको मिल रहे हैं, एफएमएसएम में आपको एक्सपर्ट मिल ही रहे हैं, यू अंडरस्टैंड, तो ये सारी फैसिलिटी है। अब एक एक करके मैं सब रूटीन दिखा दूंगा, बट एक एक करके पहले अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं टीचर्स लोग। सबसे पहले दिव्या मैम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉड्यूल 2 में, उसके बारे में गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दैट इज माय सब्जेक्ट, बहुत बहुत ज्यादा इजी सब्जेक्ट है,
ट्रस्ट करो बस मेरे ऊपर, क्लासेस में बैठ जाना, फुल मार्क्स लाने का जिम्मेदारी मेरा है। और फुल मार्क्स कैसे आएगा मैम? थ्योरी पेपर दिलवाने का जिम्मेदारी आएगा ही ना, क्योंकि सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं, ये एमसीक्यू पेपर है। सोचो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 40 मार्क्स का है, इतना स्मॉल चंक, एक तो मार्क्स का ऊपर से एमसीक्यू और खाली 6 चैप्टर्स। तो इन शॉर्ट में बस एक ही चीज बोलना है, छोटा पैकेट है बड़ा धमाका करेंगे, ठीक है? तो एकदम आसानी से जो है क्लासेस में सब समझ में आ जाना है। खाली क्लासेस ही अटेंड कर लोगे, आपको पता है क्लास में सब कुछ लर्न हो जाता है। जिन्होंने ऑलरेडी ईटी वगैरह किया है मेरे से, दे ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि मैम क्या पढ़ाती हैं। तो बस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, पहले मैं तो वो बता दूं कि पूरा बिजनेस कैसे करना है वो हम लोग सीखेंगे, हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर। हाँ हाँ, सीए में भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, सीएस में भी स्ट्रेटेजिक है, सीएमए में भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट बैचेस है, यहाँ हम लोग कोई भी ब्लेंड बैच नहीं पढ़ाते हैं। आपको पता है कि एमईपीएल जो है एक्सक्लूसिविटी के कारण ही जो है इतना रेनाउंड है, तो तीनों कोर्सेज का जो लेक्चर है सारे अलग अलग होने वाले हैं। तो आपको एक्सक्लूसिवली आपके इंस्टीट्यूट के मैट से एक एक चीज को कवर करवाया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स वगैरह सब दिया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट विल बी सॉल्विंग लॉट ऑफ एमसीक्यूज इन द क्लासेस। मतलब मैं बस आपको यही बोलूंगी, आप बस क्लास कर लेना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? फुल मार्क्स तो लाना ही हमें, है ना? यस और नो? थैंक यू सर। शार्क टैंक देखिए हो ना, पूरा वही है, समझ लो बस। केस स्टडी वगैरह दिया इंस्टीट्यूट के मैट में, सब हम लोग मस्ती से एकदम मिलके प्रैक्टिकली उसको डिस्कस करेंगे, और पूरा प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। इस बार तुम लोग को जो है ना पिच भी करने देंगे, शार्क हम बनेंगे, पिच भी करने देंगे। अरे बहुत लोगों के दिमाग में रहता है आइडिया, तुम लोग अपने आप को अंडरस्टैंड कर क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या पिच करेंगे। अरे बहुत जन लोग के दिमाग में रहता है बाबा, सुनाया? तो भगवान के दया से, तुम लोग के दया से मेरे पास रिसोर्सेज है, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और हम अश्नीर भी नहीं है। तो आप लोग आराम से जो है ना कुछ अगर आइडिया रहता है एंटरप्रेन्योर वगैरह का, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पढ़ाई के साथ ये सभी जरूरी है, पढ़ाई तो होगा ही, बट ये सब चीज जो है ना ये सभी जरूरी है अगर दिमाग में कुछ आइडिया वगैरह रहता है तो। नाउ ओवर टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। अपने सीधा पॉइंट पे चले आते, कैमरा में दिख रहा हूँ, अच्छा पीछे आ जाओ, सीधा पॉइंट पे चले आते। आई वर्क विद द कॉलेज एज वेल, तो मुझे पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सुनते ही सबसे पहला सवाल आपका क्या होगा, सर इसमें मैथ्स है क्या? क्योंकि हम 11, 12 में साइंस इसलिए नहीं लिए थे, बिकॉज मैथ्स था, तो हमको सबसे आसान उस समय लगा यार ये ले लेते हैं, शायद मैथ्स नहीं होगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के केस में मैथ्स डेफिनेटली है, बट उस लेवल का नहीं है, वो अप्रोच नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्री आप सोच रहे हैं, वो पूरा डिफरेंट डोमेन है। क्या सर ये मैनेजेबल है? डेफिनेटली ये मैनेजेबल है। तो सर हमको कोई बता रहा था कि सीए में भी एफएम है, सीएस में भी एफएम है, सीएमए में भी एफएम है, तो सर जैसा वहां पे टफ आ रहा है, जैसा अप्रोच है, हमको भी वहां पे ये करना है, तो ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। जैसा कि दीदी ने ऑलरेडी बताया कि हमारे बैचेस डिफरेंट होते हैं फ्रॉम अदर्स, बिकॉज हम लोग ब्लेंड बैच नहीं चलाते हैं, बिकॉज सीए में भी एफएम होगा, सीएमए भी एफएम होगा, पर सीएस में भी जो एफएम है, नाम में एफएम है, चैप्टर्स भी कॉमन होंगे, बट कवरेज और पोर्शन में बहुत डिफरेंस है, नंबर वन। नंबर टू, जो सबसे बड़ा एरिया है हमारा वो है थ्योरी एंड प्रैक्टिकल का इक्वल वेटेज, और कितनी बार तो थ्योरी ज्यादा आती है, जो सीए सीएमए में थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपको लगेगा नहीं सर ये क्या बोल रहे हैं आप, तो पास पेपर्स चेक कर लो, मैं क्या बोलता हूँ उससे मत जाओ, बाकी क्या बोलते हैं उससे मत जाओ, आराम से वेबसाइट पे जाइए, चेक करिए पास पेपर, बिकॉज एफएम भी एसएम की तरह एमसीक्यू है। आपको दिखेगा मेजर वेटेज या इक्वल वेटेज थ्योरी पोर्शन में भी है। तो जिनको लगता है प्रैक्टिकल्स में दिक्कत होती है सर, तो थ्योरी से मैनेज होगा, डेफिनेटली यस। जिनको रैंक लाना है, तो क्या सर ये पेपर एफएम एसएम का अच्छा है? डेफिनेटली यस, बिकॉज इस पेपर में 100 में 100 भी आ सकता है, अपने स्टूडेंट का आया भी हुआ है। तो जितने रैंक वन भी आ रहे हैं या रैंक होल्डर्स भी आ रहे हैं, आप देखेंगे एमसीक्यू पेपर्स का भी एक वाइटल रोल रहा है, बिकॉज कितनी जगह पर आपको आंसर प्रेजेंटेशन के लिए मार्क्स कट सकते हैं, पर स्ट्रैटेजिकली अगर आप जाएं एमसीक्यू में या तो सही है या तो गलत है, वो शायद बोल के कुछ नहीं होता है, लड़के समझ पा रहे होंगे राइट, शायद हो सकता है नहीं हो सकता है, बट यहाँ पर या तो आप सही है या तो आप गलत है,
हंसने की कोई बात नहीं, मैं वो नहीं कह रहा जो आप सोच रहे हैं, गंदा दिमाग। दूसरी बात ये, हमारा कवरेज टिपिकली आईसीएसई मॉड्यूल के हिसाब से है, तो हम लोग कभी, समय बहुत इंपॉर्टेंट है सारे सब्जेक्ट्स का, तो एक्स्ट्रा जब जरूरत पड़ेगा बता देंगे, बट पहले जो सिलेबस में वो तो खत्म करें। तो क्लास का कवरेज आईसीएसई मॉड्यूल पे बेस्ड होगा, जो मैथ हम भी आपको दे रहे हैं वो एंटायर कवर करता है आईसीएसई मॉड्यूल। और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं है, पास्ट टर्म के बच्चों का आप फीडबैक ले सकते हैं, वो बेटर आपको बताएंगे, अलग से बात करना मेरे सामने और पूछना, तो आपको बताएगा क्लास में जितने सम्स कराए गए हैं उसमें से सारे के सारे फंसते भी हैं, एंड अप्रोच सेम आता है, बिकॉज हम आईसीएसई मॉड्यूल के बेसिस पे कराते हैं। बिकॉज जो क्वेश्चन पेपर बना रहा है अगर उसी का मैट आप इग्नोर करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो एफएमएसएम में दिव्या मैम भी आईसीएसई मॉड्यूल से कवर कर रहे हैं हम लोग सिलेबस, एफएम में भी कर रहे हैं, और थ्योरी प्रैक्टिकल साथ में चलता है, बिकॉज आपको हम मैकेनिक नहीं बना रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर बनाना चाहते हैं, सीएस बनना चाह रहे हैं, ये उदाहरण था, राइट। अब आप बोलेंगे गलत क्लास में बैठ गए, ये तो कुछ और बोल के बैठाए थे, राइट। तो ये कवरेज अपना रहेगा, और जो मटेरियल्स हम क्लास में दे रहे हैं अगर आप वो कवर कर लेते हैं, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने का दरकार नहीं है। आई वुड अगेन से, जैसे लॉ में भैया का कॉन्फिडेंस है, भैया जानते हैं, बिकॉज भैया तो, मैं तो खुद भैया के पास पढ़ा हुआ हूँ, भाई नाम कॉमन नहीं है, शुरू से ही मैं साथ में हूँ, राइट। तो डेफिनेटली यस, तो एमईपीएल में आपको दिक्कत कहीं नहीं आएगी। आप जब पहला दो क्लास करेंगे ना, आपको ऑलरेडी आइडिया लग जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, बिकॉज आपको लग सकता है कि यार तो बोलेंगे ही, अच्छा अच्छा खराब बोलने के लिए थोड़ी बुलाया है। बट वंस यू अटेंड द फर्स्ट टू थ्री लेक्चर्स, यू विल अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली वी आर प्रोसीडिंग, एंड आपको उसमें आइडिया लग जाएगा। वापस से वही बोलेंगे जो हम कवर कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट। एक्स्ट्रा कुछ करना है हमारा पोर्शन करने के बाद करिएगा, क्योंकि हमारा पोर्शन जिसने कर लिया, कोटिंग भैया बेड़ा पार लगना ही है, नहीं करोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बट यहाँ पर बेड़ा पार लग जाएगा। थैंक यू एवरीवन। तो आपने सबको सुना, अब कॉर्पोरेट अकाउंट्स आप कैसे संभालेंगे, वो अविनाश सर आपको बताने वाले हैं। या गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो सब, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। देखो अकाउंट्स से ऐसे मतलब डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग का सीए सीएमए वाला अकाउंट्स तो नहीं है, मतलब अपना पता है अकाउंट्स कैसा है, अपने को अकाउंट्स में प्रैक्टिकल्स तो है बट विथ थ्योरी। जो हमारा जो पेपर आता है ना उसमें थ्योरी क्वेश्चन भी रहता है अपना, साथ साथ अपना क्या रहेगा अपना, हाँ सर, उसमें मेनली पता है क्या, आप जो कॉर्पोरेट लॉ जो आप पढ़ रहे हो ना उसके हेल्प से आपको अकाउंट्स करना है। मतलब अगर आपने कॉर्पोरेट लॉ नहीं पढ़ा ढंग से तो फिर वहां भी आपको दिक्कत होगा, है ना। तो आपको कॉर्पोरेट लॉ जो आप पढ़ रहे हो उसके हेल्प से आपको पढ़ना है, आपको दोनों चीज समझना है, एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए अपने को, साथ ही साथ कुछ शॉर्टकट्स, ताकि हमारा, क्योंकि हमारा पेपर भी कैसा है एमसीक्यू ही है, तो हमें वो भी सीखना है, ठीक है ना। तो जो भी क्लासेस आपको कराया जाएगा ना वो पूरा आपको फुल प्लेट रहेगा, मतलब आपको सारा आईसीएसई मॉड्यूल तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स, एमसीक्यूज आपको क्लासमेट सेल्फ, वो हर चैप्टर के बाद कवर होगा, टेस्ट हर चैप्टर के बाद आपको होगा, तो वो सब आपको अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि 10-12 क्लास किया फिर बस ऑनलाइन रिकॉर्डेड बस कर ले रहे हैं, ऐसे नहीं करना, आपको क्लास में आपको आना है, आपको क्लासेस करना है, आपको टेस्ट पूरा देना है, है ना। तो मंडे से जो मेरा पोर्शन है वो स्टार्ट होगा, क्लास में लोग बाकी बात करेंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक। ये बोलते नहीं है, ये करके दिखाते हैं। यस, तो दोस्तों आपने सब चीज सुन लिया, मॉड्यूल टू में टैक्स नहीं है, मॉड्यूल टू में बच्चे जाना चाह रहे, मॉड्यूल टू में पेपर तो बताइए, मॉड्यूल टू में दो लॉ के पेपर है, दोनों धांसू, एक टेक्निकल पेपर है और एक इजी, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इजी पेपर है, टेक्निकल पेपर, सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट, SLCM, प्यार से क्या बोलेंगे, SLCM, सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट। ये पेपर कोई बंदा सीख ले तो उसको स्टॉक मार्केट का सारा रेगुलेशन आ जाएगा, सेबी के सारे रेगुलेशन आ जाएंगे, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना आ जाएगा, वो स्टॉक मार्केट का ट्रेडिंग भी कर सकते, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे तुम लोग सुना होगा खाली नाम, शेयर खरीदते हैं, शेयर बाई करते हैं, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, फ्यूचर, ऑप्शन, हेजिंग, वो मैं क्लास में तुमको प्रो बना दूंगा, प्रो। कोई स्टॉक मार्केट का कोर्स ज्वाइन करने का दरकार नहीं है, कोई भी स्टॉक, हम भी स्टॉक मार्केट का कोर्स हम लोग भी बेचते हैं,
लेकिन मेरे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को ज्वाइन करने का दरकार नहीं है। क्यों बोलो? अरे उसका एक बाप वाला कोर्स तुम कर रहे हो एसएलसीएम। स्टॉक मार्केट में 10 क्लास है, एसएलसीएम में अकेले 70 क्लास है। तो तुम एसएलसीएम का पेपर सीख जाओगे तो तुम अपने आप प्रो हो जाओगे सब चीज में। दूसरा लॉ का पेपर है ईबीसीएल, इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ, इकोनॉमिक बिजनेस एंड। इसमें इकोनॉमिक लॉ है, कमर्शियल लॉ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। बचपन में जो पढ़ा था ना ईटी में या ग्रेजुएशन में, ऐसा केस में भी वो भी है पूरा। ऑफर एक्सेप्टेंस एटसेट्रा एटसेट्रा सब है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, यू अंडरस्टैंड, मतलब ये पूरा कमर्शियल लॉ हो गया, ठीक है। और ऑब्वियस बात है इकोनॉमी में और हम लोग का क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट फेमा एक्ट है, कंपटीशन एक्ट है। ईवीसीएल में एक राज का बात बताता हूँ, मतलब गजब ही ढंग से सिलेबस बनाता है आईसीएसआई, महान है महान। 25 तो चैप्टर है, एक सिंगल चैप्टर कंपटीशन एक्ट, एक सिंगल चैप्टर कंपटीशन एक्ट, थूक लगा लगा करके चाटते हैं। 25 नंबर शोर शॉट है उसका, एवरेज नहीं, 25 मार्क्स शोर शॉट है। किताब में लिखा हुआ है कंपटीशन एक्ट इज इक्वल टू 25 मार्क्स, मतलब और क्या चाहिए जीवन में। तो ईवीसीएल जब स्टार्ट करेंगे समझो कौन सा चैप्टर पहले करेंगे, और जैसे कंपटीशन है खत्म, हम बोलेंगे मेरा 1/4 सिलेबस खत्म, 25% सिलेबस खत्म। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो स्ट्रैटेजी बना बना करके अपने सब कुछ फॉलो करते हैं यार, हर चीज स्ट्रैटेजी के हिसाब से होता है। स्ट्रैटेजी से याद आया, तीसरा पेपर है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, प्रैक्टिकल पेपर है। अच्छा जो दो लोगों का पेपर है, कौन सा दो लोगों का पेपर है फटाफट बताओ, एसएलसीएम और ईबीसीएल। हम दोनों पेपर साथ में स्टार्ट नहीं करते, पहले हम एसएलसीएम कंप्लीट करेंगे, पहले टेक्निकल पेपर एसएलसीएम है, पहले उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ईबीसीएल उठाएंगे। सो फर्स्ट विल कंप्लीट एसएलसीएम एंड देन विल कंप्लीट ईबीसीएल। डेली क्लासेस चलेंगे आपके, तो एसएलसीएम हम लोग 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट 1.5 मंथ लगेगा मेरे को, 1.5 मंथ में हम लोग कंप्लीट कर देंगे ईबीसीएल। एसएलसीएम ईबीसीएल मैंने क्या बोला, पहले 2 महीने एसएलसीएम कंप्लीट करेंगे, फिर 1.5 महीना में ईबीसीएल, और साथ साथ आपके क्या चल रहे होंगे एफएमएसएम। यू अंडरस्टैंड? एफएमएसएम, एफएम पहले कंप्लीट होगा, जैसे एफएम कंप्लीट होगा फिर एसएम स्टार्ट होगा और कंप्लीट हो जाएगा, और साथ साथ चल रहे होंगे आपके कॉर्पोरेट अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स रिली होगा। समझे क्या? तो ये मॉड्यूल 2 का 4 पेपर का नाम बताओ मेरे को, दो थ्योरी पेपर बताओ, एसएलसीएम ईबीसीएल, ये दो थ्योरी पेपर है, इसमें कोई एमसीक्यू वगैरह नहीं, और दो प्रैक्टिकल पेपर का नाम बताओ, एफएमएसएम इज अ प्रैक्टिकल पेपर, कॉर्पोरेट अकाउंट्स इज अ प्रैक्टिकल पेपर, ये दोनों एमसीक्यू पेपर है ओल्ड सिलेबस के हिसाब से। जिन लोगों का न्यू सिलेबस है कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है, आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, हमारा जिम्मेदारी है। यू आर इन एमईपीएल यार, वी आर हियर टू एम्पावर यू, 1000 टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन लेने का दरकार नहीं। आपका पढ़ाई इज इक्वल टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सही जगह आ चुके हैं, आपका खाली जिम्मेदारी था एडमिशन लेना, वो आपने ले लिया है, बाद बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपका हम लोग बेड़ा पार करा करके छोड़ेंगे, जैसा मेरा वर्ड्स है। यू अंडरस्टैंड? योर स्टडीज इज इक्वल टू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स इट। अब मॉड्यूल वन में हम लोग जनवरी मंथ में दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जेआईजीएल चलेगा, टैक्स चलेगा, जेआईजीएल एंड टैक्स चलेगा। फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी से आपका जेआईजीएल हम लोग जनवरी में खत्म कर देंगे, तो उसके जगह चालू हो जाएगा आपका कंपनी लॉ। क्या चालू हो जाएगा? कंपनी लॉ चालू हो जाएगा 1 फरवरी से, जिसका अगेन डेली क्लासेस रहेंगे। यू अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो मॉड्यूल 1 भी पूरा फ्रेश बैच मिल रहा है आपको, मॉड्यूल 2 भी पूरा फ्रेश बैच मिल रहा है, फेस टू फेस भी है, लाइव एट होम भी है, कल से स्टार्ट हो रहा है। अब मैं थोड़ा बैठ करके आपको रूटीन बता देता हूँ, बाद बाकी फैकल्टीज को टाटा बाय बाय बोल दीजिए। कुछ डाउट है क्या? टाटा बाय बाय क्या? एक बार फैकल्टीज से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी एक बार यहाँ पर बैठ जाइए, ताकि मैं एक बार पहले बच्चों को क्लियर कर देता हूँ उन लोगों का रूटीन। बस आई विल टेक 5 मिनट्स मोर।
हाँ एडमिशन कहाँ लेना है, कैसे लेना है, वो सब बता दे रहे हैं बेटा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले रूटीन तो सुन लो। हाँ लाइव है ना, लाइव वाले बच्चों को भी डाउट्स लेंगे बेटा, टेंशन नहीं। यार इतने सारे बच्चे वीडियो देखे हैं बट लाइक बटन नहीं दबाए बेटा, क्यों पाप का भागीदार बन रहे हो बेटा? लाइक बटन ठोक दो बेटा। सर 3 महीने में कंपनी लॉ हो जाएगा क्या? आराम से 2.5 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना नहीं, 2.5 महीना। अभी क्या हम लोग जो सब्जेक्ट उठाते हैं ना उसको डेली पढ़ते हैं, डेली। सुनिए, टुमारो 5 जनवरी, थर्सडे ना, देन फ्राइडे, देन सैटरडे। संडे हम लोग कभी क्लासेस नहीं रखा करेंगे, टेस्ट रखा करेंगे। और हमने एक रूल बना दिया ऑर्गेनाइजेशन में, एमईपीएल में एक रूल बन चुका है। क्या रूल बना बताओ? हर हफ्ता टेस्ट, हर हफ्ता टेस्ट, नॉट नेसेसरीली संडे। संडे बच्चे बोलते हैं सर हमें घर में रहने दो, सर आप सैटरडे टेस्ट ले लो, तो वो भी हम लोग करते हैं। समझ में आया? संडे घर में रहने दो तो सैटरडे टेस्ट ले लो, वो भी हम लोग करते हैं। लेकिन हम लोग हर हफ्ता टेस्ट लेते हैं, ये रूल है। और हर चैप्टर का एग्जाम होगा, चैप्टर वाइज एग्जाम होगा। हाँ कभी कभार छोटा चैप्टर रहता है तो 2 चैप्टर का भी साथ में हो जाता है। और कभी कभार 2 चैप्टर का अगर एग्जाम बच्चे बोल रहे हैं सर अभी कल, सर 2-3 दिन बाद ले लीजिए, तो 3 चैप्टर का ले लेते हैं। लेकिन चैप्टर वाइज एग्जाम से ना मैंडेटरी है भाई। देखिए 5 जनवरी यानी थर्सडे आपका बेटा AM SLCM का क्लास रहेगा, SLCM का फर्स्ट क्लास, Module 2 का फर्स्ट क्लास। बहुत सारे बच्चे आउट स्टेशन है, उन लोग भी मेरे को रिक्वेस्ट किए कि सर हमें आ जाने दीजिए सर, और आप मंडे से फुल फ्लेट स्टार्ट करिए। तो बिल्कुल हम वैसे ही कर रहे हैं, मंडे से फुल फ्लेट स्टार्ट हो रहा है आपका। थर्सडे और फ्राइडे केवल SLCM का मेरा क्लास है, ठीक है? थर्सडे और फ्राइडे SLCM का क्लास है, Module 2 का। सैटरडे भी मेरा वही 11:15 बजे SLCM का क्लास है, एंड 1:15 बजे JIGL भी रहेगा, ठीक है? तो जिन लोग Module 1 ज्वाइन करना चाह रहे हैं, Module 2 तो कल से स्टार्ट हो जा रहा है 5 जनवरी से, Module 1 7 जनवरी से आपके लिए ज्वाइनिंग बैच है। Module 1 7 जनवरी और Module 2 5 जनवरी। ये हो गया 5th, 6th, 7th का शेड्यूल। सर आप तो बोले तो 4-4 क्लास करके होगा। हाँ ये रहा फिक्स रूटीन मंडे ऑनवर्ड्स, अब ये चेंज नहीं होगा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। फिक्स रूटीन मंडे ऑनवर्ड्स ये रहा। ये देखिए मंडे ऑनवर्ड्स आपका क्या है, 9:30 AM एक क्लास रहेगा, 11:15 AM रहा करेगा, 1:15 रहा करेगा, 3:15 रहा करेगा। सर हमारा तो सर सुबह सुबह ना हम लोग ना कॉलेज जाते हैं, तो आप उसका बैकअप कर लीजिएगा। अगर आप लाइव एट होम नहीं कर सक रहे उस समय, तो आपको सेम डे आपको बैकअप मिल जाएगा, आप सेम डे उसका बैकअप कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं सुबह 9:30 बजे आपका कंपनी अकाउंट्स रहा करेगा, कॉर्पोरेट अकाउंट्स। ये Module 1 में कि Module 2 में बेटा? Module 2 में। 11:15 बजे 11:15 बजे आपका रहा करेगा बेटा SLCM। अगेन ये किसमें बेटा? Module 2 में। 1:15 बजे बेटा आपका टैक्स रहा करेगा बेटा, ये Module 1। 3:15 बजे बेटा आपका JIGL रहा करेगा बेटा, ये है आपका Module 1 में। ये रूटीन हम लोग मंडे टू कब तक बताओ? तो
मंडे टू सैटरडे फॉलो करेंगे, समझे? तो मॉड्यूल टू का दो सब्जेक्ट उठा रहे हैं, कंपनी अकाउंट्स एंड एसएलसी, मॉड्यूल वन का दो, टैक्स एंड जेएचएल। मॉड्यूल टू में बचा क्या? एक लॉ का पेपर बताओ। ईबीसीएल विल स्टार्ट आफ्टर, हा, आफ्टर एसएलसीएम कंप्लीशन। नहीं तो एक बच्चा सोचेगा एसएलसीएम के बाद तो टैक्स है, जब एसएलसीएम कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? ईबीसीएल आफ्टर एसएलसीएम कंप्लीशन। ओके, और एक क्या पेपर बचा? एफएमएसएम बचा। अब धीरे धीरे करके डोज बढ़ेगा, धीरे धीरे करके। ऑलरेडी कितना हो रहा है, पहले इतना झेलो, स्टेमिना बढ़ाओ। जैसे स्टेमिना बढ़ जाएगा एफएम बैच विल स्टार्ट। मैं डेट बता दे रहा हूं स्टेमिना कब तक बढ़ाना है। ये मंडे क्या तारीख है? 5, 6, 7, 8, 9 ना, 9th January तो आपको ये वाला रूटीन फॉलो करना है। और फिर एफएम बैच विल स्टार्ट 16th January से। सर टाइमिंग, जो बचा हुआ टाइमिंग रहेगा उसमें ना होगा, जो बचा हुआ टाइमिंग रहेगा उसी में ना होगा, तो आप टेंशन ना लीजिए, इसी में हम लोग एडजस्ट करेंगे। एफएम विल स्टार्ट फ्रॉम 16 जनवरी एफएमएसएम। ओके, आर यू एक्साइटेड? नहीं, आवाज में डर लग रहा है तुम लोग को तो। अरे हम लोग बहुत रिलैक्स माहौल में पढ़ते हैं, तुमको पता नहीं चलेगा टाइम कब बीत गया। ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा 1.5 घंटा का क्लास रहा करेगा, क्योंकि हम लोग 4-5 क्लास लेंगे एक दिन में, तो आपका 1.5 घंटा 1.5 घंटा का क्लास रहा करेगा। ऐसा नहीं कि आपका 2.5-2.5-3-3 घंटा का क्लास लेंगे। पुराने कोरोना के पहले वैसे ही करते थे, 2.5-3.3 घंटा का क्लास चलता था, नहीं समझा? अभी 1.5 घंटा 1.5 घंटा का क्लास रहेगा, और एक दिन में 5 क्लास तो तुमको पता ही नहीं चलेगा, हंसी मजाक करते हुए निकल जाएगा। से यस, आर यू एक्साइटेड? आवाज नहीं आ रहा, हाँ? बल्कि किसी दिन ट्यूशन हम लोग ऐसा आदत पढ़ा देंगे तुम लोग का, किसी दिन ट्यूशन कैंसिल होगा ना, हेल्थ रीजन या कोई भी रीजन, टेक्निकल रीजन के कारण, तुम लोग को दुख होगा कि यार कैंसिल हो गया। आई होप सो। तो कृपया करके ये रूटीन फॉलो कर लें, ये रूटीन का स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। कल और परसों एसएलसीएम है, और जो अभी ज्वाइन कर लेगा, सुनो, कल एसएलसीएम के बाद जो है ना, इट्स मूवी टाइम। मेरे बच्चे मेरे को पिक्चर लेकर के जा रहे हैं, अवतार 3D शो, अवतार 3D शो। तो कल एसएलसीएम कंप्लीट होगा, कल एसएलसीएम के बाद हम लोग जाएंगे मूवी अवतार 3D आईनॉक्स, ठीक है? तो एसएलसीएम के बाद टिकट भी बढ़ जाएगा, मतलब बच्चे बांट देंगे, हम नहीं लेकर के जा रहे हैं, बच्चे मेरे को लेकर के जा रहे हैं। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। अरे जाना है, बच्चे बोल रहे कौन लेकर, कौन जा रहा है लेकर? अरे कोई भी लेकर के जा रहे हैं, चलना सबको है। अब लाइव एट होम वाले बच्चे बोलेंगे सर हम लोग को भी चलना है, बिल्कुल, आपको भी वेन्यू बता दे रहे हैं, आप आ जाइए बेटा, फ्लाइट पकड़ करके आ जाइए बेटा, दिल्ली से, मुंबई से, पुणे से, राजस्थान, फटाफट फटाफट कल मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ करके आइए। अब देखो यार, जस्ट बिकॉज तुम नहीं जा सकते हो तो ये बच्चे भी नहीं जाए, ये तो अनफेयर है ना। और हम तो तुम लोग के पास आते रहते मिलने, हम जितना बच्चों से जाकर के मिलते हैं उतना शायद ही कोई मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया, मुंबई, अभी ये 2 महीना पहले मुंबई गए, पुणे गए, तो वहां पर जाकर के उन लोगों को भी पार्टी देते हैं यार। ऐसे तो फिर कलकत्ता वाले बच्चे और फेस टू फेस वाले बच्चे और लाइव एट होम वाले बच्चे छूट ही जाएंगे, तो सबको पार्टी देते हैं। तो कल एसएलसीएम के बाद अवतार 3D शो है, और परसों फ्राइडे एसएलसीएम है, सैटरडे एसएलसीएम भी है, और जेजेएल भी है। संडे आप अपना जीवन का पूरा आनंद उठाइए, 56 भोग खाइए, क्योंकि 9 जनवरी से कंपनी अकाउंट्स, एसएलसीएम, टैक्स, जेजेएल सब चालू हो जा रहा है, और 16 जनवरी से तो एमएम चालू हो रहा है। बट मजा आएगा, तुम लोग ऐसा लग रहा है कि कैसे संभालेंगे यार, हम जब है तो तुमको क्या गम है, कोई गम नहीं, आराम से एंजॉय करके पढ़ेंगे।
राइट, कंपनी लॉ भी बता दो सर। हाँ गुड क्वेश्चन, अरे रुक जाओ, जेएजीएल हम लोग का जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? कंपनी लॉ एंड एसबीसी, कंपनी लॉ एंड एसबीसी विल स्टार्ट साइमल्टेनियसली आफ्टर जेआईजीएल। एक्चुअल में एसबीसी और कंपनी लॉ में ना 50% पोर्शन कॉमन है, तो दिस विल स्टार्ट आफ्टर जेआईजीएल। इनफैक्ट कंपनी लॉ जून 23 वाले हम आप क्या है ना सेम बैच दो दो बार पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कंपनी लॉ अभी लेटेस्ट कंप्लीट किए होंगे, कितना दिन पहले? हाँ नवंबर, तो नवंबर में कंप्लीट हुआ कंपनी लॉ, अभी फिर चालू हो जाएगा कंपनी लॉ। नहीं समझ आया? ये जून 23 के लिए रहेगा कि दिसंबर 23? दोनों के लिए। फिर दिसंबर 23 के लिए वापस से चालू होगा कंपनी लॉ, हम लोग चालू करेंगे और खत्म कर देंगे फेब मार्च अप्रैल में, मिड अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, 15 अप्रैल तक। फिर हम लोग वापस से स्टार्ट करेंगे जून में फॉर दिसंबर, तो दिसंबर को कितना बार करने मिल रहा है? दो बार, अगर वो अभी एडमिशन ले रहा है तो। कन्हैया बोल रहे हैं सर 9:30 इज वेरी अर्ली सर, सर 11:30 इज ओके। बेटा 9:30 अगर तुमको अर्ली लग रहा है बेटा, तुम ऑफिस कैसे जाया करोगे? बोर्ड मीटिंग चालू हो जाता है 9 बजे, तुम मुकेश अंबानी के बोर्ड मीटिंग में लेट पहुंच रहे हो। अरे यार तुम लोग इतना जल्दी बुलाए, कंपनी लॉ 8:30 से होता था, कंपनी लॉ 8:30 से होता था। बच्ची बोल रही है, बच्ची अपना दुख बता रही है, बोले तो सारे नो इन लोग को जल्दी लग रहा है गांजा लोग। सर मॉड्यूल वन कब से स्टार्ट हो रहा है? ये रहा बेटा 7th जनवरी, मॉड्यूल वन 7th जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। मॉड्यूल टू कब से स्टार्ट हो रहा है? 9 से, तो कल क्या गोटी खेलने वाले हैं? 5th जनवरी, और कल पढ़ाई चालू करने वाले हैं। मॉड्यूल वन स्टार्ट फ्रॉम 7th जनवरी। सर कंपनी लॉ वॉल्यूम टू रिकॉर्डेड करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, कंपनी लॉ वॉल्यूम टू भी आपको फेस टू फेस लाइव एट होम सब मिलेगा रे बाबा फॉर जून 23 एंड दिसंबर 23। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रकार का डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं फेस टू फेस लाइव एट होम। दो चार डाउट शगुन का पूछो यार, नहीं तो तुम लोग ऐसे मत करो यार। कमॉन कमॉन, इनरोल्ड स्टूडेंट ऑलरेडी हाथ उठाओ, जिन लोग इनरोलमेंट करवा लिए हैं, फुल हैंड फुल हैंड, सारे बच्चे इनरोलमेंट करवा चुके हैं ऑलरेडी, गुड। तो आया करो फेस टू फेस, लाइव एट होम का तार काट देंगे, कनेक्शन विल बी कट। खाली रेस्ट ऑफ इंडिया वाले बच्चे लाइव एट होम करे, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिकॉर्डेड में वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू दोनों दिया है, दोनों करना है क्या? देखो यार ये फिर से क्वेश्चन आ रहा है गांव वालों, बच्चा पूछ रहा है सर मैंने आपका मॉड्यूल वन लिया है, मेरे को सारे रिकॉर्डिंग मिल चुके हैं सर, सर वो करना है क्या? हाँ कर लो, हम लोग लाइव एट होम भी करेंगे, तुमको जो करना है करो बट कर लो, सारा फैसिलिटी है। सर कंपनी लॉ कब चालू होगा? जनवरी एंड या फेब फर्स्ट वीक मैक्सिमम, जनवरी एंड या फेब फर्स्ट वीक मैक्सिमम। सर यूट्यूब पर लाइव रहेगा क्या? पहला 3 क्लासेस हर सब्जेक्ट के फर्स्ट 3 क्लासेस यूट्यूब लाइव रहेगा। ऐसा क्यों करते बताओ? दो कारण है, दो कारण। पहला कारण कि बहुत सारे बच्चे एकदम लास्ट में इनरोलमेंट करते हैं। अब जैसे ऑफर कल खत्म हो रहा है, 5 जनवरी है ना, हाँ आज या शायद कल खत्म हो जा रहा है, हैप्पी न्यू ईयर वाला जो ऑफर था ना HNY कोड जिसमें बंपर डिस्काउंट मिल रहा है @MEBLClasses.com, वो आज या कल में खत्म हो रहा है, तो उन लोग रात को 12 बजे ही लेंगे। तो अब अच्छा उन लोग रात को 12 बजे लेंगे तो उन लोग को भाई इनरोल वगैरह करने में हमें 24 आवर्स लगता है, तो तब तक वो इनरोल होंगे नहीं, तो इसलिए यूट्यूब लाइव हम लोग चलाते हैं। पहला 3 क्लासेस हर सब्जेक्ट का यूट्यूब लाइव रहता है ताकि आप हमारा जो प्लेयर वगैरह है वो डाउनलोड तब तक कर सकें। और दूसरा कारण आपको, आप लोगों को हम लोग अपना क्वालिटी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारा क्वालिटी बहुत ज्यादा सुपीरियर है, तो वो दिखाना चाहते हैं कि अच्छा ऐसे भी पढ़ाई होता है।
बच्चा बोल रहा है सर कल SLCM होगा क्या? वाह इट्स जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, पूरा रूटीन मैंने बच्चों की तरह दिखाया बेटा, फिर से एक बार लास्ट बार देख लो, बच्चों की तरह बेटा मैंने आपको पूरा रूटीन अभी दिखाया। ये देखो कल 5 जनवरी है थर्सडे, कल 11:15 बजे SLCM स्टार्ट हो रहा है, 6 जनवरी 11:15 बजे SLCM, 7 जनवरी रुक जाओ 2 मिनट, 7 जनवरी सैटरडे SLCM भी और 1:15 बजे JHL भी है, संडे ऑफ है, फिर फिक्स रूटीन मंडे से फॉलो हो रहा है, 4-4 क्लास का वो ले लो स्क्रीनशॉट। सर हमें हार्ड कॉपी मिलता है कि सॉफ्ट कॉपी? दोनों ऑप्शन है आपके पास, दोनों ऑप्शन है बेटा, आप हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है वो आपके पास दोनों ऑप्शन है। ये रहे लास्ट, एक बार देख लो भाई, मोटिवेशन ले लो। सर कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये मार्केटिंग है, मैं उनको डिनाई नहीं करता हूं, जो समझना है जिसको समझ लो, मैं तो किसी का सोच नहीं बदल सकता। अब मैं मोटिवेट करने के लिए दिखाता हूं, लोग बोलते हैं मार्केटिंग है, अरे एनरोल्ड स्टूडेंट को दिखा करके क्या मार्केटिंग होगा, तुम कौन सा और पैसा दे दोगे? दोगे नहीं सर, अभी तो इतना ही काफी है। ये लास्ट 3 टर्म के ऑल इंडिया रैंक 1 है, अब इनका फोटो हो सकता है आपको दूसरे एकेडमी में भी दिखाई दे, क्योंकि वहां पर रिविजन या एक सब्जेक्ट पढ़ लिए होंगे, नहीं समझ आया, लेकिन हमारे यहां पर इन्होंने 7 सब्जेक्ट पढ़ा। अब जैसे चिराग ऑल इंडिया रैंक 1, हमारे यहां पर 7 सब्जेक्ट पढ़ा, कहीं और 1 सब्जेक्ट पढ़ा, तो वहां पर भी फोटो दिखाई देगा। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, बट मैं क्लैरिफिकेशन दे दे रहा हूं, मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं, सुन आया। सेम विथ श्रुति नगर, सेम विथ ईशान लोहिया, ऑल इंडिया रैंक 1 लास्ट 3 टर्म से, रैंक 2 2 बार, रैंक 3 3 बार, रैंक 4 4 बार, अरे वाह, लेकिन रैंक 1 ऐसा नहीं हो कि एक ही बार आए। ये CS के ऑल इंडिया रैंकर्स। अब आप कोर्स में जाएंगे, CS एग्जीक्यूटिव को क्लिक करेंगे, CS एग्जीक्यूटिव के अंदर कैटेगरी में चले जाना, रुक जाओ कैटेगरी में चले जाना, कैटेगरी में न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस क्लिक कर लेना। सर कौन सा बेटर है? सर न्यू सिलेबस बेटर है कि ओल्ड सिलेबस बेटर है? बेटा बेटा न्यू सिलेबस तो आज आया ही नहीं है, अभी तक आप न्यू सिलेबस में एडमिशन नहीं ले सकते। अभी न्यू सिलेबस का एडमिशन चालू होगा फेब्रवरी में, और उसका पहला टर्म रहेगा December 23 में, और जो पहला टर्म रहता है ना, इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता कि वो क्या करेगा, ना मटेरियल है ना कुछ है, बस चल रहे हैं, चलते चलते बनाएंगे, समझ आया? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, मेरे लिए पहली बार थोड़ी ना न्यू सिलेबस आ रहा है, मैंने 4 बार सिलेबस को चेंज होते होते देखा है, तो 4 एक्सपीरियंस है मेरा कि न्यू सिलेबस में क्या होता है, यू अंडरस्टैंड। तो अभी जिन लोग इनरोलमेंट करवा रहे हैं, आंख बंद करके अंदर तुम कहां पर इनरोलमेंट करो? ओल्ड सिलेबस। फिर भी अगर तुम न्यू सिलेबस ले रखे हो तो हमारा जिम्मेदारी है तुमको पूरा, तुम्हारे को न्यू सिलेबस के हिसाब से क्लासेस मिलेंगे। अब ओल्ड सिलेबस में मान लो अगर आप क्लिक करते हैं, फिर से कैटेगरी के अंदर जाना, बोथ मॉड्यूल, जिन लोगों का दोनों मॉड्यूल है बोथ मॉड्यूल कॉम्बो में क्लिक करना, जिसका एक मॉड्यूल है मॉड्यूल 1 कॉम्बो या मॉड्यूल 2 कॉम्बो में क्लिक करना। सर हमें सिर्फ एक पेपर लेना है, तब मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 में क्लिक करना। बट मान लो तुम मॉड्यूल 2 कॉम्बो सिलेक्ट कर रहे हो, जैसे ही तुम मॉड्यूल 2 कॉम्बो सिलेक्ट करोगे, पहला प्रोडक्ट जो दिख रहा है ना, यही मॉड्यूल 2 कॉम्बो है, इसमें 2 लॉ का पेपर यानी SLCM, EBCL, FMSM एंड CMA, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट, CMA यानी कॉर्पोरेट, ये 4 पेपर हो गया December 23 एंड June 23 के लिए, क्लियर? अरे बोलो, टोटल 200 अप्रोक्सीमेटली क्लासेस हैं, आप इसको क्लिक करें। सर ये दोनों में फर्क क्या है? सर सर दोनों में फर्क क्या है? सर हाँ, ये लैपटॉप पर आपके रिकॉर्डिंग चलेंगे और ये मोबाइल फोन में रिकॉर्डिंग चलेंगे, इसलिए बचपन में सिखाया जाता था स्पॉट द डिफरेंस इन द पिक्चर, ताकि ये सब देख सको। जब पहली बार मेरी टीम ने मेरे को दिखाया ना, हम बोले डिफरेंस क्या है बे, बोला सर ठीक से देखिए, हम स्पॉट कर लिए थे। अब मान लो पहला वाला आप क्लिक किए, जैसे आप पहला वाला क्लिक करेंगे, आप एनरोल इन कोर्स क्लिक करेंगे, यहां पर अलग अलग आपको दिखाई देगा, 4 महीना वाला मत सिलेक्ट करना, 4 महीना में रिस्क है, समझ में आया? तो कम से कम कितना महीना सिलेक्ट करोगे? 6 महीना, कम से कम 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में सिलेक्ट करोगे, सॉफ्ट कॉपी भी है और हार्ड कॉपी ऑप्शन भी है, जिसका December 23 में, June 23 वाले बच्चे 6 मंथ सिलेक्ट करें, December 23 वाले बच्चे 1 साल सिलेक्ट करें, 1 साल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें, क्लियर? ताकि उन लोगों के पास लास्ट तक क्लासेस रहे। अब सर फीस रीजनेबल है, फीस बहुत रीजनेबल है, मैं जिस लेवल पर और मेरी टीम जिस लेवल पर आपको पढ़ाती है,
उसके सामने फीस कुछ भी नहीं है, यू अंडरस्टैंड, और जो फैसिलिटी आपको मिलता है। अब हो सकता है इससे भी कम में आपको क्लासेस मिल जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है तुम पढ़ो और कोई तुमको पैसा भी दे दे, ऐसा भी होता है। ट्रायल रन, गिनी पिग्स, तो मैं फीस के ऊपर कंपीट नहीं करता हूं, यू अंडरस्टैंड, मैं क्वालिटी के ऊपर कंपीट करने में विश्वास रखता हूं। 1000-2000 बचाने के लिए तुम अगर अपना एक टर्म दाव पे लगाना चाहते हो तो यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट, इट्स योर करियर आफ्टर ऑल, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल। तो दोस्तों ये रहा आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, एग्जॉस्टिव इंफॉर्मेशन। अब अपने मिल रहे हैं कल से जो अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वार्म अप है, वार्म अप है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, SLCM और JIGL स्टार्ट हो रहा है, और फिर मंडे 9 जनवरी से तो चीर फाड़ करके स्टार्ट हो रहा है बेटा, 9 जनवरी से मंडे टू सैटरडे ये रूटीन 4-4 क्लास का फॉलो होगा। क्लियर है बेटा? अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर मॉड्यूल 2 का क्लासेस कब तक खत्म हो जाएंगे? 31 मार्च, मॉड्यूल 2 के क्लासेस आपके 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगे। सर कौन सा इजी है देना चाहिए, बोथ या सिंगल मॉड्यूल? मैं अगर आपकी जगह होता मैं तो दोनों मॉड्यूल देता, जून 23 में अगर नहीं कंप्लीट हो रहा तो दिसंबर 23 में देता, लेकिन देता तो दोनों मॉड्यूल, तभी रैंक आएगा। अरे बाबा बड़ा सोचोगे तब ना बड़ा बनोगे। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? बस थोड़ा क्लासेस हम लोग का चालू हो रहा है, कब से? ओ भाई कब से? कल कितना बजे से? हाँ क्या स्टार्ट होगा? मॉड्यूल 2 वाले बच्चे हाथ उठाओ, फुल एंड मॉड्यूल 2। ओके तो कल से क्या स्टार्ट हो रहा है? SLCM, ओके दोनों मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, इसलिए जो मिसिंग एनीवन बुला लें उसको बोलिए, ठीक है हम तो रहेंगे ही। तो SLCM अपने स्टार्ट कर रहे हैं कल से 11:15 से, और JIGL कब से? सैटरडे कितना बजे से? ये सैटरडे 11:15 SLCM, 11:15 JIGL, और फिर डिटेल रूटीन जैसे मैंने आपको बता दिया है, ये रहा डिटेल रूटीन आपके सामने ही है मंडे ऑनवर्ड्स। क्लासेस स्टार्ट हो रहा है, कृपया करके फ्रेंड लोग को बता दीजिएगा, ठीक है? आप सोचेंगे क्या बताना है, मेरा क्या फायदा होगा? अरे क्यों नहीं फायदा होगा रे बाबा, तुम्हारे गुरु का फायदा होगा तो शिष्यों का भी फायदा होगा ना, समझाया? ऐसे थोड़ी ना तुमको कल जो है इतना ये सब हो रहा है, पैसा कहां से आएगा बे? मजा कर रहे हैं, जस्ट किडिंग। बट यस आई वुड लाइक ईच वन ऑफ यू टू जस्ट इन्फॉर्म, मतलब मारा पीटी नहीं करना है, ठीक है? बस इन्फॉर्म कर देना कि हमारे ऐसे ऐसे बैचेस हम लोग के स्टार्ट हो रहे हैं, आप भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट जो ऑलरेडी हम लोग से पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में पक्का से कमेंट करना कि क्वालिटी एजुकेशन मिलता है कि नहीं, ICSI का मॉड्यूल सॉल्व होता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। बाय।